अकेला देख के घेर लिया, मेरा रास्ता छोड़ दे। भगवान कहने लगे मैं नहीं छोड़ूंगा, तू कर ले जो कुछ करना। सखी भगवान श्री कृष्ण को डराने लगे, कहने लगी मैं राजा के उस लाडले कन्हैया ने अब हमें अकेला देख के रास्ते में घेरना भी शुरू कर दिया। और कंस तेरी सारी अकड़ निकाल देगा। जब कंस का नाम लिया तो भगवान को क्रोध आ गया, अच्छा मेरे शत्रु से मुझे डरा रही है, और भगवान सबको गालियां देने लग गए। कंस क्या कसम लगे तेरा, कंस क्या कसम लगे तेरा, कमाल क्या कर दे जो बात प्रेम में बनती है वो झगड़े में कभी बनती नहीं। सखी कहने लगी कि भैया मुझे जाने दे। भगवान कहने लगे निकलेगी अकड़ थोड़ी जी, मेरी निकलेगी टेढ़ी थोड़ी सखी कर भगवान। सखी कहने लगी कि भैया मेरा माथा बिकने से रह जाएगा। भगवान कहने लगे देखो अगर तू जाना चाहती है तो सौदा होगा, बिना सौदे काम नहीं होगा। सखी कहने लगी कि भैया बोल कैसा सौदा करना है। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे करना क्या है, तू मुझे माखन दे दे मैं तुझे रास्ता दे दूंगी। सखी कहने लगे कन्हैया तुझे माखन नहीं दूंगी, क्योंकि ये माखन मैंने बलराम के लिए रखा है, नंद बाबा के बाद हमारी गोकुल के सरपंच बलराम होंगे, और मैं माखन भी बलराम को खिलाऊंगी तुम जो खोलने के कर। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे सखी तेरा दिमाग खराब है, नंद बाबा माता यशोदा का पुत्र मैं हूं और गोकुल का सरपंच भी मैं ही बनूं। सखी फिर कहने लगी कौन कहता है तू माता यशोदा नंद बाबा का पुत्र है, माता यशोदा गोरी नंद बाबा गोरे, पता नहीं माता यशोदा कहां से उठा के लाई काला कहीं का।